ये है लाहौर की एबट रोड, जहां कभी थोड़े थोड़े फासले से दर्जनों सिनेमा घर आबाद थे, अब सिर्फ 3 रह गए हैं, जो मुकामी सतह पर बनने वाली पंजाबी फिल्मों के दम से जिंदा हैं। लेकिन कोविड-19 के बायस 2020 से अब तक कोई भी नई फिल्म नहीं बनी। गुज़िश्ता बरस मार्च से अगस्त तक सिनेमा बंद रहे। एहतियाती तदाबीर अपनाने की शर्त पर सिनेमाघरों को खुलने की इजाज़त भी मिली, तो नया मवाद ना होने के बायस पुरानी फिल्में ही नुमाइश पर लगा दी गईं। हमने ऑफर दी थी 3 फिल्में देखें 100 में, नहीं आए लोग। पंजाब की तमाम स्क्रीनें बंद, कितनी देर ये ऐसे 8-8-10-10 बंदों को हम करेंगे? सिनेमा में फिल्म लगेगी तो सिनेमा चलेगा, वरना ये तो इमारत है। अभी ये प्लाजा सिनेमा टूट गया, वो भी कोविड की वजह से टूटा। सबसे पुराना सिनेमा था इंग्लिश फिल्म का, वो ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इस रोड पर सारे सिनेमा ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ कायम बेशतर सिनेमाघरों ने अपनी इमारतों के बाहर का अहाता रेस्टोरेंट और वर्कशॉप्स को किराए पर दे रखा है, ताकि तनख्वाहों और बिलों की अदायगी मुमकिन हो। माजी में लॉलीवुड को नामवर फिल्में देने वाले फिल्मसाज काबिले दीद फिल्मों और शायकीन की कमी के लिए सनत के अंदर आने वाली तब्दीलियों को भी जिम्मेदार करार देते हैं। एक ही फिल्म को अब 12 दफ़ा उनके लिए करेक्टरों के नाम बदल दें और बीच में मतन वही है, स्टोरी वही है। जो जो फिल्में बनती गई ना, असिस्टेंट थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, काम तो हम कर रहे हैं, क्यों हम बताते हैं, कपड़े हम बताते हैं, बोलना हम सिखाते हैं। तो डायरेक्टर का एक 5 लाख ले रहा है, ये हमें तो वो डायरेक्टर बन गए। जो पिछले डायरेक्टर थे, जो कुछ सीख के आए थे इंडिया से, वो अपनी झोली बेचारे चले गए ले के। दूसरी तरफ लाहौर में जदीद तर्ज पर बने डिजिटल सिनेमा घरों में नई तर्ज की पाकिस्तानी फिल्में और हॉलीवुड की अंग्रेजी या डब्ड मूवीज नुमाइश के लिए लगती हैं। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के बाद ये सिनेमास मार्च 2021 में नुमाइश के लिए खुलने के इंतजामात मुकम्मल कर रहे थे, यहाँ तक के शायकीन का खैर मकदम करने के लिए एक नई हॉलीवुड फिल्म का इफ्तिताही शो भी सजाया गया। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने इन्हें खुलने से पहले ही बंद कर दिया। सारे घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि अगर चीज़ें खुल भी रही हैं तो सारे SOPs के साथ साथ खुल रही हैं, बिकॉज़ अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें अगर हम इन्जॉय करें तो हमें एहतियात बरकरार रखना चाहिए। जहाँ इतनी सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो वाई नॉट सिनेमा? और लाहौर में तो आपको वैसे ही पता है कि सिनेमा के सब हम कितने दिलदादा है, एंड आई होप कि चीज़ें उसी तरह बेहतर चलती रहें ताकि रिवाइवल जो है वो कंटिन्यू रहे। सिनेमा घरों का ना खुलना फिल्मी अदाकारों के लिए भी तशवीश का बाइस है। चंद फिल्मों के अलावा जो है कुछ खास शूट भी नहीं हुआ, बिकॉज सिनेमा का भी अनसर्टन था। अब अगर सिनेमाज खुलेंगे तो फिल्म मेकर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जी, एग्जिबिशन करने के लिए जगहें हैं, सिनेमाज खुल गए हैं, तो अब यू नो वो फिल्म बनाएंगे।